नाजरीन, अलबलाग चैनल के आपका मुस्तकबिल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं इनायतुल्लाह खान फलाही साहब। ये जन्नत के फूल और फ्लावर ऑफ हेवन बच्चों के रिसाले के एडिटर हैं। आइए उनको हमारे प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मैं गुज़िश्ता 6 सालों से उनके अंदर दिलचस्पी पैदा करने के लिए बच्चों के रिसाला जन्नत के फूल उर्दू में और गॉड्स ऑफ हेवन इंग्लिश में शाय कर रहा हूँ। ये रिसाला 6 सालों से शाय हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के 17 जो है सूबों में पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए मंगा रहे हैं पोस्ट के जरिए से। ये हमारे लिए बहुत ही खुशाइन और बहुत ही मुसर्रत का मौका है कि ऐसे मौके पर जबकि बच्चे मोबाइल्स में वीडियोस में और सीरियल में मसरूफ़ हैं और चंद ऐसे पेरेंट्स हैं वालदैन हैं जो अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद रहते हैं। ये रिसाला साल में एक बार खुसूसी शुमारा भी शाय करता है। इससे पहले मेरे वालदैन मेरी जन्नत बड़ों का बचपन प्यारे नबी के प्यारे साथी मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से 4 खुसूसी शुमारे शाय कर चुका है। इंशाल्लाह 2021 में अल्लामा इकबाल शाहीन बच्चों के लिए एक बहुत ही अहम खुसूसी शुमारा शाय करने जा रहा है। ये रिसाला 2015 से शुरू है और फिलहाल ये 2 माही है, 1 महीने उर्दू में शाय होता है और 1 महीने इंग्लिश में शाय होता है और हम रजिस्टर्ड डाक के जरिए पेरेंट्स को उनके घरों पर भेजते हैं। ये आमतौर से अल्हम्दुलिल्लाह जब से लॉकडाउन लगा है और बच्चे अपने घरों में हैं तो इस मौके पर वालदैन बहुत फिक्रमंद हो गए बच्चों की तरबियत के ताल्लुक से, उनको मसरूफ़ रखने के ताल्लुक से। हमने अपनी मैगज़ीन को ऑनलाइन फ्री कर दिया। जब पेरेंट्स ने हमारी मैगज़ीन को पढ़ा देखा तो उनको बहुत अच्छा लगा और उन लोगों ने डिमांड किया कि हमको पोस्ट के जरिए कोरियर के जरिए भेजा जाए और हमारे पास जब हमने भेजना शुरू किया तो वालदैन का तजस्सुस और उनके बच्चों का शिद्दत से हमारी मैगज़ीन का इंतज़ार, ये हमारे लिए एक उम्मीद के किरण कि गोया कि एक अपॉर्चुनिटी है कि मिल्लत के अंदर उनकी जो माएँ हैं हमारे पेरेंट्स हैं वो फिक्रमंद हैं कि बच्चों की तरबियत की जाए और ये जो है वक्त की एक ज़रूरत है। वो महसूस कर रहे हैं कि जो हमारा निसाब तालीम है ये हमारे बच्चों को इस्लामी अकदार से उनकी तहजीब से हमारी जो तहजीब है तमद्दुन है ये जो है उनको पीछे ले जा रहा है। ऐसे वक्त में इस रिसाले की अहमियत और ज़रूरत वो महसूस कर रहे हैं, इसीलिए इस रिसाले को हमने इस्लामी अकदार से उसकी तहजीब तमद्दुन से और बच्चों के अंदर ज़बान और अदब से दिलचस्पी पैदा करने के लिए ख़ास तौर से बच्चों के मुकाबले भी उसमें रखते हैं और बच्चों की तहरीरें उसमें ख़ास तौर से हम शाय करते हैं ताकि हमारे ये बच्चे मुस्तकबिल में एक अच्छे कलमकार बन सके। कुछ हमारे पेरेंट्स के लिए, वालिदैन के लिए और हमारे बच्चों के लिए और सरपरस्तों के लिए क्या पैगाम देना पसंद करेंगे? हम अपने पेरेंट्स से वालिदैन से ये रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए अपने घर में हम वाईफाई के लिए अपने मोबाइल के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं जो एक तरीके से हमारे बच्चों के जहन को भी ख़राब कर रहा है और उनके अंदर किताबों से वो दूर हो रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों के अंदर मुताले का शौक़ पैदा करने के लिए किताबों से ताल्लुक़ को जोड़ें। जब ये बच्चे किताबें पढ़ेंगे तो उनके अंदर जहाँ इल्म का इजाफा होगा, उनके अंदर मुताले का शौक़ पैदा होगा तो वो ख़ुद ब खुद में बहुत सारी जो है लहूलियात से, बुरी चीज़ों से, वीडियो से, आज जो है ये बिल्कुल बुराइयों का एक तूफ़ान है जो चारों तरफ से जो है हमारे घरों में छापा मार रहा है और जो मोबाइल है, इंटरनेट है, इससे ये हमारा पूरा घर, हमारे पूरे बच्चे ख़राब हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अगर हम इन बच्चों की फ़िक्र नहीं करेंगे, इनको अपनी तहजीब से नहीं जोड़ेंगे, अपने अवतार से नहीं जोड़ेंगे, अपनी तारीख से नहीं जोड़ेंगे
तो जाहिर सी बात है ये बच्चे हमारे ख़राब हो जाएंगे। बच्चे मुस्तकबिल है, हमारे मुल्क के भी मुस्तकबिल है, हमारी कौम के मुस्तकबिल हैं और हमारी तहजीब के भी मुस्तकबिल है। और अगर हम इनसे लापरवाही बरतेंगे तो यकीनन ये हमारे लिए बहुत ही हलाकत और एक तबाही का जरिया होगा जिसे हम रोक नहीं सकते हैं। इसलिए वक्त की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों के अंदर मुताले का शौक़ पैदा करें, और ये मुताले का शौक़ पैदा ही करने के लिए ये रिसाले हमने जारी किए हैं। अगर आपके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो हमने इंग्लिश मीडियम में बहुत ही आसान स्टोरीज, कुरान की स्टोरीज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, ये सब हम इंग्लिश में भी शाये कर रहे हैं ताकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे इंग्लिश में मुताला करें, उर्दू में पढ़ने वाले बच्चे उर्दू में मुताला करें। इंशाल्लाह मुतालबा हो रहा है कि हिंदी में भी शाये किया जाए, तो हमारी कोशिश है कि मुख्तलिफ मुल्क की ज़बानों में भी नई नस्ल की तरबियत के लिए रिसाले को जारी करें। बहुत खूब। अदब अतफाल किसी एक ज़ुबान से वाबस्ता होकर नहीं है। ज़ुबान हमारे लिए मसला ज़रूर है, हम अपनी ज़ुबान के बका के लिए अपनी जद्दोजहद करेंगे, लेकिन हमारे अपने बच्चों को तालीम देने के लिए ज़बान कोई कैद नहीं है। जो भी ज़बान आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं उस ज़ुबान के अंदर किताबें पढ़वाइए, पढ़ने का शौक़ पैदा कीजिए, यही आज का बहुत बड़ा जिहाद है। हम इनायतुल्लाह खान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में अगर हमने गुफ्तगू की। जज़ाकअल्लाह खैर। शुक्रिया।